यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जब फाटक खुला हो तो रेलवे लाइन को क्रॉस ना करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जागरूकता फैलाने के लिए रेलवे करोड़ों रुपए खर्च करती है, आम जन में विश्वास का भाव जगाती है, लेकिन जब उसके ही कर्मचारी लापरवाही की हदें पार कर दें, तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? तस्वीरें बाड़मेर जिले के समदड़ी की है, जहां एक फाटक बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। इस फाटक पर कभी भी किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेलवे फाटक खुला है। लोग भी खड़े हैं और मालगाड़ी तेज रफ्तार से गुजर रही है। लोग तो जागरूक हैं, लेकिन लापरवाही की हद तो तब हो गई जब किसी शख्स ने गेटमैन की इस लापरवाही को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, तो आनन फानन में गेटमैन ने फाटक बंद कर दिया। सोचिए, अगर ये लापरवाही रात के समय हुई होती तो फिर क्या होता? क्योंकि दिन के उजाले में लोगों ने समझदारी दिखाई, लेकिन रात के अंधेरे में तो ट्रेन बेधड़क गुजर जाती। रेलवे क्रॉसिंग पर ऐसी लापरवाही कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े हादसे हुए हैं। इसलिए न्यूज 18 राजस्थान आज रेलवे प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से सवाल पूछ रहा है। गेटमैन की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था, क्या प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी? अगर बड़ा हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? लापरवाह गेटमैन के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आखिर कब जागेगा रेलवे प्रशासन? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के अंदर। बड़े हादसों के बाद रेलवे प्रशासन नींद से जागता है। जांच के लिए कमेटी गठित होती है, लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद रेलवे प्रशासन की तरह हम आप भी हादसों को भूल जाते हैं।